हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर क्लास सेकेंड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी पार्ट वन चैप्टर फोर शेर और किशमिश। चलिए हम रीडिंग लगा रहे हैं आज फोर चैप्टर की, है ना। फोर चैप्टर का नाम क्या है? शेर और किशमिश। हम रीडिंग करेंगे, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी है। एक खूबसूरत गांव था। कैसा गांव था? खूबसूरत। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता था। हिंदी रीडिंग सबको आती है तो मैं त त प ओ की मात्रा इस तरीके से साउंड के थ्रू रीड नहीं करूँगी, है ना। हम बड़े बच्चे हो गए हैं थोड़ा सा, तो इस स्टोरी को बस इसी तरीके से रीड करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। किसके डर के मारे? शेर के डर के मारे। कड़ाके की ठंड का समय था। कड़ाके मतलब जोरदार, तेज से सर्दियां पड़ रही थी। सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। शेर बहुत भूखा था। उसने कई दिन से कुछ खाया नहीं था। शेर शिकार के लिए वह नीचे उतरा और वह गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में घूम रहा था। दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। टिमटिमाते दिए की रोशनी से मतलब है कि जो खिड़की से उसको रोशनी दिखाई दे रही थी, किसकी? दिए की। शेर ने सोचा यहाँ खाने को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। मकान के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। ऊ आ इस तरीके से बच्चे रोते हैं, साउंड की आवाज़ आई। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज़ आई। चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है इसको देखकर, सॉरी उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के पास बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा, मतलब वो रोता रहा, चुप ही नहीं हो रहा था। उस पर डराने का कोई असर ना पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है ये, काश मैं उसे देख सकता। ये ना तो लोमड़ी से डरता है ना भालू से। उसे जोर की भूख सताने लगी। वह खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई। फिर से माँ बोली, देखो देखो देखो, शेर आ गया, शेर। वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। ये सुनकर शेर अचरज मीन आश्चर्य में पड़ गया। वो सरप्राइज हो गया एकदम से, अचरज हुआ, और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। फिर क्या हुआ? शेर ने सोचा, ये कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ। मैं खिड़की के अंदर उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे ना डरता हो। अब उसे चिंता होने लगी। किसको चिंता होने लगी? शेर को। तभी माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो अब चुप हो जाओ, ये देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, सन्नाटा मतलब सब लोग शांत हो गए, बिल्कुल एकदम शांति हो गई। शेर ने सोचा, ये किशमिश कौन है? ये जरूर बहुत खूंखार होगा। उसी समय कोई भारी चीज़ धम से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूंदा होगा। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। असल में उसकी पीठ पर एक चूहा कूंदा था जो उस घर में घोड़ा चुराने आया था। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वह उसकी पीठ पर कूंदा था। कौन कूंदा था? चूहा बोल गई थी यहाँ पर। कौन कूंदा था? चोर कूंदा था जो उस घर में घोड़ा चुराने के लिए आया था। क्या चुराने आया था? घोड़ा। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर कौन? चोर शेर को घोड़ा समझकर उसकी पीठ पर कूंदा था। उसकी जान ही निकल गई। किसकी जान निकल गई? जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, घोड़े की नहीं। क्या मतलब, सॉरी, किसकी जान निकली थी? चोर की।
किस क्या समझकर, उसने तो घोड़ा समझकर बैठा था इसकी पीठ पर, लेकिन क्या हुआ, वो तो शेर निकला, है ना। शेर बहुत तेज़ी से पहाड़ी की ओर दौड़ा, जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े, लेकिन चोर ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था। देखो कसकर पकड़ रखा है ना, इमेजेस में दिख रहा है। हाँ, वह जानता था कि अगर मैं नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर ने अपनी जान का डर, शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का, क्या बात है। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा, चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी, उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेज़ी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली, शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। ओहो, क्या स्टोरी थी, है ना। शेर कौन बेवकूफ बना, शेर बेवकूफ बना है या चोर कौन बेवकूफ बना था यहाँ पर, शेर। ये आज हमने इसकी स्टोरी रीड कर ली है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।